आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में इसको स्मॉल वी या ग्रीक लेटर न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे आपको एक ड्रम दे दिया जाता है और उस ड्रम में आपको कहा जाता है कि आप इसको बीट कीजिए आप अपने अकॉर्डिंग ड्रम को बीट करेंगे अब अगर हम डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की बनाते हैं

एक वेव फॉर्म मतलब वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो राइट अब देखो अब यहाँ पर हम इस वेव को कंसीडर करते हैं जब हम इस वेव को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर आप देखो देखेंगे कि बहुत सारे क्रेस्ट एंड बहुत सारे ट्रो है बिटवीन दी मैक्सिमम पीक एंड द मिनिमम पीक ये जितने भी क्रेस्ट एंड ट्रो हैं अगर हम इनको काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

तो स्टडी अगर हम उस कॉन्सेप्ट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं देन वी विल डिस्कस या देन वी विल टेक वर्ड एज रेट तब हम रेट वर्ड का यूज करते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी कॉन्सेप्ट में जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो हम रेट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ठीक है अब इसी वेव की तरह से मैंने एक और वेव बनाई यहां पर मैंने क्या किया यहां पर हमने उसी वन सेकेंड के अंदर दो वेव्स को फॉर्म किया या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट था उसमें एक सेकेंड के अंदर दो ऑसिलेशन या दो वेव्स बनी यानी कि दो क्रेस्ट एंड दो ट्रो बनी अब देखो यहां पर यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वन सेकेंड में इस केस में टू ऑसिलेशन है और अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं तो वन सेकेंड के अंदर सिक्स ऑसिलेशन प्रोड्यूस होते हैं तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हो गई फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई जहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है जहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है वहां पर लो फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ हायर नंबर ऑफ ऑसिलेशन लो फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ लोअर नंबर ऑफ ऑसिलेशन मैंने पहले भी बताया था फ्रीक्वेंसी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की सेकेंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन होती है यानी की एक वाइब्रेशन होती है या एक ऑसेशन कॉज होती है दैट इज नोन एजन अगर हम हायर यूनिट फ्रीक्वेंसी की कंसिडर करते हैं तो इट विल बीलोहर्स एंड मेगा अबाउट दिटवीन दिलोहर्साहलोर्ट इट इज इक्वल टू वन थाउजेंड हर्ट्स एंड वन मेगा किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होती है कभी भी चेंज नहीं होती

कवर अप होती है कितने टाइम में अपना सफर तय करती है सो टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ दैट साउंड वेव वन ऑसिलेशन का मतलब हो गया वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड देखो, पहले मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जितने ज्यादा नंबर ऑफ होंगे उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ठीक है तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड या हम ये भी कह सकते हैं f इज इक्वल टू वन अपॉन t बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए इन सबको मैं आपके साथ में अपने अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझे मेरे चैनल पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं अपना फ़ोन नंबर भी उसमें मोबाइल नंबर भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ यू कैन इजीली कॉल मी डायरेक्टली